Verici? माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार हो गया। सब्ज मिर्ची डाल दिए मैंने, क्या ही लस्तों वाला सालन निकालते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, किस तरह पकन लगे मटन। मटन सब तो पहले मैं मटन धो तो के अच्छी तरह खुशक कर लिया। दो अदद यानी कि एक किलो सारा मटन है, ये पावे तीन चार टमाटर, तीन चार प्याज, एक गड्डी लहसुन की ये मैंने काट लिया है। अब प्याज काटूंगी और ये वन स्पून, क्योंकि हल्की मिर्च रखेंगे, वन स्पून सूखा धनिया, वन स्पून सुरख मिर्च, हल्दी, वन स्पून नमक और वन स्पून इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा। बाकी मसाले बाद में डालेंगे। और ये मटन हमारा पकना शुरू हो गया, अब इसमें मसाले भी डाल दूंगी। दो तीन दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दिए, तीन दरमियाने टमाटर, एक गड्डी लहसुन की। ये हमारा जो चम्पे होते हैं उस टाइप का गोश्त था और ये आज पकने लगा है बहुत ही मज़े की। ये कढ़ाई कोरमा बनने लगा, कोरमा कढ़ाई बहुत ही मज़े की टेस्टी होगी और झटपट तैयार होगी। ये देखिए, क्योंकि हमने 15 मिनट में तैयार करना है और 15 मिनट में बहुत ही इजी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। ये चढ़ाते हैं हम लकड़ियों वाले चूल्हे पे, गैस पे बहुत गर्मी है, किचन में काम नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर ये जो बाहर वाला चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मैं ढक दूंगी ताकि ये इसी पानी में ये हमारा मटन पक जाए। पानी, ये देखिए पानी हमारा खुशक हो चुका है। इसे अच्छी तरह से हम भुनेंगे, फिर इसमें डालेंगे अपना ऑयल। अच्छी तरह से ये पानी को मैं खुशक होने देती हूँ। पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है, अब मैं डालूँगी इसमें ऑयल। ये मैंने एक प्याली ऑयल की डाल दी है क्योंकि बस कम ही ऑयल डालेंगे। अब इसी ऑयल में हम इसे 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ। बहुत ही मज़े का ये सालन हमारा तैयार होगा। सालन माशाल्लाह से हमारा पक चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने रोस्ट करके पीस लिया था। ये देखिए मटन कढ़ाई बहुत ही मज़े की ग्रेवी, देखें इसकी लाजवाब रेसिपी, लाजवाब सालन। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब दे हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।